नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हरिद्वान एकेडमी में स्वागत करता हूँ। इसके पहले जो वीडियो हुआ था उसमें देखा था इंट्रोडक्शन टू सरफेस फिनिश, तो अभी ये जो वीडियो इसमें देखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग योर सरफेस फिनिश। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ, तो अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बढ़ते अभी ये वीडियो की तरफ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस रफनेस, कि कोई भी सरफेस है कंसिडर कर आपका जो बाइक है, बाइक का जो फ्रंट सकअब्जर देखा होगा आपने, तो एकदम आपको मिरर फिनिश टाइप में दिखता है। तो कुछ इंजीनियरिंग में कुछ एप्लीकेशंस ऐसे रहते हैं कि उसमें ज़्यादा फिनिश की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जो क्या करते हैं आपके जब एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर पार्ट अफेक्ट योर एक्यूरेसी। तो पहला पार्ट है आपका वाइब्रेशन। आपने देखा होगा कोई भी अगर मशीन, सीएनसी मशीन या कोई भी मशीन आप किसी शॉप फ्लोर में इंस्टॉल कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं उसके नीचे आप बराबर से फाउंडेशन करते हो, फिर फाउंडेशन करने के बाद ही आप मशीन को रखते हो, ठीक है। अगर विदाउट फाउंडेशन आपने मशीन को रखा तो मशीन का क्या होता है, लेवलिंग बिगड़ गया तो भी आपके सरफेस फिनिश पे डिफरेंस आता है। अभी ये वाइब्रेशन पैरामीटर क्या है कि अगर जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कंसिडर करिए आपका ये जॉब है और ये कटिंग टूल है आपका, क्या कर रहे हो आप इसके ऊपर से आप इसका कटिंग एक्शन कर रहे हो, लेकिन क्या हुआ कुछ वजह से क्या हुआ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है आपका वर्क पीस और आपका टूल दोनों भी वाइब्रेट हो रहे हैं। तो क्या होगा, आपका टूल कभी वर्क पीस के अंदर जाएगा तो कभी वर्क पीस के बाहर आएगा। ये जो है ये बहुत स्मॉल रहेगा, मतलब आपके आँखों से आप नहीं देख सकोगे, लेकिन वाइब्रेशन की वजह से भी आपके सरफेस फिनिश पे इफ़ेक्ट आता है। इसके बाद है सेकंड मटेरियल, आप कौन से क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर लो ग्रेड का मटेरियल क्वालिटी रहा तो क्या होता है कि मशीनिंग के टाइम उसमें चेंजेस आ सकते हैं और फिर उसकी वजह से भी आपका सरफेस फिनिश डिफर कर सकता है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ मशीनिंग, आप कौन सा मशीनिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, जैसे कंसिडर कर लो एक वर्क पीस है, एक सर्कुलर शाफ्ट है 50 mm डायमीटर का और 30 mm 70 mm लेंथ कंसिडर कर लो। तो अगर उसका आप लेथ पे उसका कट निकालोगे, एक लेथ पे निकालोगे तो उसका सरफेस फिनिश अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन वही जो आपका अगर आप कट निकालना है आपको, अगर आप सीएनसी लेथ का यूज़ करोगे तो क्या होगा उसका सरफेस फिनिश अच्छा आएगा। तो टाइप ऑफ मशीनिंग पे ऊपर भी डिपेंड है आपका सरफेस फिनिश कैसे आने वाला है। फिर उसके बाद है रिजिडिटी ऑफ मशीन टूल फिक्सचर एंड कटिंग टूल। अभी इसका मतलब क्या, रिजिडिटी मतलब क्या, कि जब कोई भी एक आधा मशीन मैन्युफैक्चर होता है तो उसका रिजिडिटी कितना है, मतलब वो कितना रोबोस्ट है मैन्युफैक्चर करते टाइम, उसको जो पैरामीटर्स आपने जो डिज़ाइन करते टाइम यूज़ किए वो कितने रोबोस्ट है, उसके ऊपर उसका ये रहता है फिक्सचर। फिक्सचर क्या रहता है कि कंसिडर करो मुझे एक जॉब उसका उसके ऊपर मशीनिंग करना है, तो उसको जॉब को होल्ड करने के लिए एक डिवाइस रहता है, उसको क्या कहते हैं फिक्सचर। अगर वो फिक्सचर ने जॉब को एकदम बराबर से कंसिडर करे, ये फिक्सचर है और ये मेरा जॉब है, मैंने ऐसे इसको पकड़ा है यहाँ पे, लेकिन मशीनिंग करते टाइम ये क्या हो रहा है फिक्सचर थोड़ा लूज़ हो गया है, तो मेरा क्या होगा जॉब ऐसे यहाँ से मूवमेंट करेगा, फिर मूवमेंट करने की वजह से क्या होगा यहाँ पे जो कटिंग टूल एक्शन कर रहा है इसके वजह से क्या होगा उसके ऊपर फिनिश अच्छी नहीं आएगी। तो आपकी रिजिडिटी कितनी है फिक्सचर की, उसके ऊपर भी आपका सरफेस फिनिश डिपेंड है। फिर उसके बाद कटिंग पैरामीटर, कटिंग पैरामीटर्स क्या है, आपको ऑलरेडी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चलता होगा, स्पीड क्या रहती है, फीड क्या रहती है, डेप्थ ऑफ कट क्या रहता है। इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप कोई डायमीटर टर्न कर रहे हो तो आपने अगर स्लो स्पीड में टर्न किया तो आपका फिनिश अच्छा आता है, लेकिन वही अगर आपने स्पीड हाई रखा और उसका कट निकाला तो आपका फिनिश अच्छा नहीं आता है, मतलब कटिंग पैरामीटर्स के ऊपर भी आपका क्या है कि सरफेस फिनिश डिपेंड है। फिर टाइप ऑफ कूलेंट, कूलेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।